लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। नगर पालिका परिषद मलाज खंड एवं नगर परिषद बहर के निर्वाचन 2022 में आज 15 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। नाम वापसी के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक मलाज खंड में 9 एवं बहर में 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। नगर पालिका परिषद मलाज खंड के 24 पार्षदों के निर्वाचन के लिए कुल 88 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे। 13 सितंबर को जांच के दौरान जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण नगर पालिका परिषद मलाज खंड में 4 लोगों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया गया है। वहीं नगर परिषद बहर में वार्ड नंबर 11 की कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार ने राजनैतिक दबाव के चलते अपना फॉर्म वापस ले लिया, जो कि अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। उसी वार्ड से यशवंती गुड्डा मरकाम निर्विरोध पार्षद घोषित की गई, चूंकि वहां और कोई प्रत्याशी नहीं बचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर राजनैतिक दबाव बनाए जाने का आरोप भी लगाया है। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था नगर परिषद बैहर में, और इस बार भी ऐसा चर्चा भी ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी की ही केंद्रीय नगर परिषद बैहर में सरकार बनेगी। इस बात से डर के और भारतीय जनता पार्टी का ये आज की जो घटना है, इससे स्पष्ट होता है कि उसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। भारी दबाव देकर के वार्ड नंबर 11 की हमारी जो प्रत्याशी थी उसको इन्होंने दबाव बनाया और उसका फॉर्म उठवाया गया है। हमारी काफ़ी कहना चाहिए उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन वो लड़की जिसने फॉर्म उठाई हमारी अपनी कैंडिडेट वार्ड नंबर 11 की, उसने काफ़ी द्रवित मन से अपना फॉर्म उठाया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि दबाव भारी था और दबाव बना करके उन्होंने उस फॉर्म को उठवाया है। उसका पति नगर परिषद में एक छोटा सा कर्मचारी है, चुनाव लड़ना है। आप बोलते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम फलाने हैं, तो लोकतंत्र में ये नहीं होता। आप चुनाव लड़िए, जीतिए और आइए। आपने उस गरीब के ऊपर दबाव डाला, आज उस अबला कन्या पर, उस अबला औरत पर क्या बीत रही होगी जो अपने चुनाव में अपने आप को उनने पेश करी। आपको उसके साथ फाइट करना था ना। जनचर्चाओं में तो ये भी सुना है कि उन्होंने 15 लाख रुपए लेकर के फॉर्म उठा दी। बात है, वो लड़की के मामा ससुर CMO हैं मेरे ख्याल से, सीमी जिले में कहीं पे हैं, जो कि मुझे ज्ञात हो रहा है। उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत डाला गया और जिसकी वजह से उस बेचारी बच्ची ने अपना फॉर्म वापस ली है। उस बच्ची से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उसके पिता मेरे मित्र थे। वो लड़की बहुत होनहार थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इन्होंने एक महिला को कुचला है, एक महिला की भावनाओं को कुचला है, जिसका एक वार्ड जीतने से कोई नगर परिषद का अध्यक्ष नहीं बनता। ये चीज़ आप लोग भी समझते हैं। अभी 15-14 वार्ड के चुनाव बाकी हैं। जनता खुद समझेगी कि इन्होंने किस तरीके से उसका फार्म उठाया है। यहाँ पे सभी वार्डों के गणमान्य नागरिक लोग उपस्थित थे, उन्होंने देखा है, और इसका आप लोग वार्डों का सर्वे करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई षड्यंत्र किया गया? षड्यंत्र क्या, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, सबकी आंखों में दिख रहा है कि उसका पति कर्मचारी है तो दबाव डाल के उसका फार्म उठाया गया, सीधा दिख रहा है। और इसका हम लोग बहुत प्रचार प्रसार करेंगे। और अगर आप लोकतंत्र के, जनतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसका प्रचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।